फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस तरह के साड़ी के गोले में से आज हम बहुत ही सुंदर सी डोरमेट के चारों तरफ लगाने के लिए किनारी बनाएंगे। इस किनारी को बनाना बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। सिर्फ 8 फंदे डालकर हम बहुत ही बड़ी सी किनारी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ी सी बना ली है, ये देखिए इस तरीके से पैटर्न से बनेगी और इसे मैं एक कलर से बना रही हूँ। आप चाहे तो ये जो जिस तरीके से कलियाँ बन रही हैं उनको आप डिफरेंट कलर से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कलर से बना रही हूँ। तो इस तरह से आप 8 फंदे डाल लें। मेरे यहाँ पर 8 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फंदे हैं। तो अब हम यहाँ से इसे बुनना शुरू कर देंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर इन फंदों को बुन लिया है। अब हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। जो यहाँ से डिजाइन बन रही है ये वाली, तो ये इसी तरीके से बनेगी। पहले हम फंदे डालेंगे, उनको बुन लेंगे, उसके बाद हम इस डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो साड़ी की स्टेप को हम सिलाई के ऊपर से इस तरीके से डालेंगे। तो 5 फंदे हम इस साइड में बढ़ाएंगे और 5 फंदे हम उस साइड में घटाएंगे इस तरह से। तो एक फंदा हमने इसमें बढ़ा लिया है, अब हम इसे बुन लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे बुन लिया है। अब हम इस साइड से भी बुन लेते हैं। तो ये देखिए इनको मैंने बुन लिया है इस तरह से। अब हम इस सिलाई पर यानी कि ऊपर की साइड में जब हम इसे बुनकर लेकर आएंगे तभी हमें इसमें फंदे बढ़ाने हैं और इसी साइड से हमें फंदे घटाने हैं। तो एक फंदा और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर एक फंदा और बढ़ा लिया है। तो अब हम इन फंदों को भी बुन लेते हैं। इसी तरह से हम इसमें 5 फंदे बढ़ाएंगे। तो 2 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं, 3 फंदे और बढ़ा लेते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ पर 5 फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं। अब हम इनको घटाना शुरू करें। तो इसे हम यहाँ पर बुन कर लेकर आएंगे ऊपर की साइड में। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 5 फंदे इसमें बढ़ा लिए हैं। तो अब हमारे टोटल कितने फंदे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे पहले थे और 5 फंदे हमने और बुन लिए हैं। 8 9 10 11 12 30 फंदे हो गए हैं टोटल हमारे इसमें, क्योंकि हमने 5 फंदे इसमें बढ़ाए हैं और 8 फंदे हमारे पहले थे। अब हम इसमें से 5 फंदे घटाएंगे और 8 फंदों को हम यूं के त्यों रखेंगे। तो 2 का हम यहाँ पर 1 कर देंगे। अब हम जो सारे फंदे हैं उनको हम यूं के त्यों बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर एक फंदा घटा लिया है। तो अब हम दूसरा फंदा घटाएंगे। तो फिर से 2 का 1 करेंगे और इन सभी फंदों को यूं के त्यों बुन लेंगे। तो ये देखिए
हमने इन फंदों को यूं कितु बुन लिया है, तो इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से आएगा, जिस तरह से यहाँ से आया है इस तरह से, तो इस तरीके से यहाँ से जाएगा। तो हम इसके फंदे घटा लेते हैं, तो दो फंदे हमने यहाँ पर घटा लिए हैं, तीन फंदे और घटा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सभी फंदों को मैंने घटा लिया है, तो ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बन गया है और यहाँ पर हमारे 8 फंदे रह गए हैं। तो अब हम इन फंदों को ऊपर की तरफ बुनकर लेकर आते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इनको बुन लिया है, तो इसी तरीके से हम इसे बुन लेंगे। तो अब हम इसमें दूसरी कली बनाएंगे, तो इसी तरीके से हमें इसे पूरा बनाकर तैयार करना है, जितना भी बड़ा बनाना है वो इसी तरीके से बनाना है। तो अब मैं इसमें दूसरा बना लेती हूँ, तो अब हम इसमें दूसरी कली बनाएंगे, तो इसी तरीके से हम इसमें ये कलियाँ बनाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लिया है, तो अब हम इसे बुन लेंगे। पहले हमें इसमें 5 फंदे बढ़ाने हैं, उसके बाद 5 फंदों को घटा देना है, फिर इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। जितनी भी बड़ी हमें ये किनारी बनाकर तैयार करनी है, यानी कि ये झालर है वो जितनी भी बड़ी बनानी है वो इसी तरीके से बनाकर तैयार करनी है, और हर एक सलाई पर हमें इसमें फंदे घटाने हैं, वो बढ़ाने हैं, और एक सलाई पर ही हमें इसमें फंदे घटाने हैं। तो ऊपर से बढ़ाने हैं और ऊपर से ही घटाने हैं। तो इसी तरीके से मैं इसमें जितनी भी बड़ी मुझे ये झालर बनाकर तैयार करनी है उतनी बना लेती हूँ। तो इसी तरीके से बनाकर तैयार करनी है, तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है, बहुत आसान तरीके से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।